क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में 95% तक डिसऑर्डर्स होते हैं, ना कि कोई बीमारी। और ये डिसऑर्डर्स हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी हेल्थ चैलेंज का स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज, साइनस, स्किन प्रॉब्लम, ल्यूपस, फेस पे काफी सारे पिंपल, बहुत ज्यादा थकान रहना, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटस, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं, ना कि कोई बीमारी। और इस सिचुएशन में हमें दवाइयों पे कम और हमारे इम्यून सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और लोग अपने इम्यून सिस्टम पर काम करने की बजाय वो लोग दवाइयों पे काम करना शुरू करते हैं। उनको लगता है ये सब बीमारियां हैं जो दवाइयां खाने से ठीक होगी। फ्रेंड्स, रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि लंबे समय तक दवाइयां खाने से भी हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा इम्बैलेंस होता है। हमारे इम्यून सेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण हमें थोड़े टाइम तक तो रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद वो दवाइयां भी काम करना बंद कर देती हैं। और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए ट्रांसफर फैक्टर सर्टिफाइड मॉलिक्यूल्स क्लिनिकली प्रूवन है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को नेचुरल तरीके से बैलेंस, एक्टिवेट और एजुकेट करते हैं। ट्रांसफर फैक्टर के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।